नमस्कार, बीबीसी हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि वोटर आईडी कार्ड क्या है और इसे बनवाना कितना जरूरी है। वोटर आईडी कार्ड एक फोटो पहचान पत्र है जिसे दिखाकर भारत के नागरिक मतदान करते हैं। इसे इलेक्ट्रोलर फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी EPIC भी कहा जाता है। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में अगर आप सरकार बनाने में भागीदारी चाहते हैं, तो आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहिए। अब सवाल ये है कि इसे कैसे बनवाया जाए। वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे कि आवेदन करने वाले व्यक्ति का भारतीय होना जरूरी है। जिसे वोटर आईडी बनवाना हो वो उस साल की 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को 18 साल का हो या फिर कुछ दिनों में ही होने वाला हो। जहां आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, आप वहां के निवासी हो और एक वोटर के तौर पर पंजीकृत होने के लिए अयोग्य न हो। वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले फॉर्म 6 भरना होगा। फॉर्म 6 मतदाता सूची में नाम चढ़वाने के लिए भरा जाता है। आवेदन के लिए आपको हाल में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो, आयु का प्रूफ, एड्रेस का प्रूफ देना होता है। जो लोग पहली बार वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं, वो बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, क्लास 10th या क्लास 12th का सर्टिफिकेट जिस पर बर्थ डेट दर्ज हो, उसे प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं। जरूरी दस्तावेजों में चुनाव आयोग अदर्स का विकल्प भी देता है, यानी आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास ना हो तो भी आपका वोटर आईडी कार्ड बन सकता है। अदर्स ऑप्शन के तहत आपके पते पर आपके नाम से आई कोई चिट्ठी भी प्रूफ के तौर पर काम कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेघर नागरिक भी मतदाता पहचान पत्र बनवा सकता है? इसके लिए फॉर्म 6 भरकर एक डिक्लेरेशन देनी होती है। मसलन अगर कोई फुटपाथ पर या किसी फ्लाईओवर के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, तो वो अपने आवेदन में इसकी जानकारी देंगे। इसके बाद उस इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO कम से कम 3 बार उस जगह को विजिट करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि आवेदक वहां रहता है या नहीं। पुष्टि होने पर तय प्रक्रिया के बाद आवेदक को आसानी से मतदाता पहचान पत्र मिल जाएगा। बात करते हैं ऑफलाइन आवेदन की। इसके लिए आपकी पहली जरूरत है कि फॉर्म 6, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। इस फॉर्म की 2 कॉपी आपको भरनी होंगी। ये फॉर्म आपके इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या असिस्टेंट इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और बूथ के स्तर के अधिकारियों से मुफ्त में मिल सकता है। इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप ये फॉर्म खुद संबंधित इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स या असिस्टेंट इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाकर जमा कर सकते हैं या फिर उन्हें पोस्ट के जरिए भी भेज सकते हैं। आप अपने इलाके के बूथ लेवल अधिकारी को भी फॉर्म भरकर दे सकते हैं। अब आते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया पर, जिसके लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर भी नहीं काटने होंगे और आपका काम कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.nvsp.in पोर्टल पर जाएं, आईडी क्रिएट करें या अगर किसी सदस्य की आईडी पहले से है तो उसे लॉगिन करें। बाई ओर दिए सबसे पहले विकल्प यानी रजिस्टर एज न्यू इलेक्टर वोटर पर क्लिक करें और फॉर्म 6 भरें, जो नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए होता है। फॉर्म खुलने पर राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र, नाम, जन्म की तारीख, वर्तमान पता, स्थायी पता जैसी बुनियादी जानकारियों के साथ पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें। प्रूफ के तौर पर जो डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और उसकी कॉपी अपलोड कर दें और स्क्रीन पर दिख रहा कैचा कोड दर्ज करें। फॉर्म प्रीव्यू करना ना भूलें, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद आप फॉर्म में बदलाव नहीं कर पाएंगे। आखिर में सबमिट पर क्लिक कर दें। सभी चीजें दर्ज करने के बाद आपके मेल बॉक्स में एक मेल आएगा और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मैसेज भी मिलेगा जिसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। इसी से आप वोटर आईडी कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने वोटर हेल्पलाइन के नाम से एक मोबाइल ऐप भी बनाया है,
जिसमें वोटर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें, आप आसानी से सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में भी इलाके के बूथ लेवल अधिकारी फॉर्म में दिए पते पर जाकर वेरिफिकेशन करते हैं। ये तो बात हो गई उनकी जो पहली बार वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड खो गया हो या जिन्हें इसमें पता, नाम या किसी तरह की कुछ अन्य जानकारियों में बदलाव करने हैं। उनके लिए आप nvsp.in से ही फॉर्म 8 डाउनलोड कर सकते हैं और जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। अगर सभी चीजें ठीक होती है तो भी कम से कम 7 दिनों के बाद आपका वोटर आईडी कार्ड मिलेगा। हालांकि इसे जारी करने के लिए कोई अधिकतम समय सीमा तय नहीं है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो 1950 पर कॉल करें या फिर चुनाव आयोग के नेशनल ग्रीवांसेस सर्विस पोर्टल पर जानकारी पा सकते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, मताधिकार नागरिक का ऐसा अधिकार है जो उसे छीना नहीं जा सकता। वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी नहीं है। सरकार ने 11 ऐसे दस्तावेजों को मान्यता दी है जिसे दिखाकर आप बिना वोटर आईडी के भी वोट डाल सकते हैं, बशर्ते आपका नाम मतदाता सूची में हो।